बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने 1.6 डिस्कस करनी है। 1.6 में हमने दो मेथड पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहले मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, दूसरा क्रैमर रूल है। ये सिस्टम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इन्हें हम दो रूल से सॉल्व करेंगे जो कि रोज मैंने बता दी है। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म इज गिवन। इसकी जनरल फॉर्म मैंने लिख दी है, ये उसकी जनरल फॉर्म है। इसमें ए बी सी डी ये रियल नंबर्स हैं, बाकी इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं। एक्स वाई में ये वेरिएबल दिए हुए हैं, एम एन भी आपके पास ये कॉन्स्टेंट्स हैं। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक आपके पास इन्वर्जन मेथड है, दूसरा क्रैमर रूल है। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक फर्स्ट मेथड कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड मेथड कर लेंगे और ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। इसका मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि मेथड होगा क्या। बड़ा ही आसान सा मेथड है इसका। सबसे पहले आपको ऐसी टाइप की क्वेश्चन की बनोगे, करना क्या होगा आपने इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आपने इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा। देखिए, रियल नंबर लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स बन गया। और ये मैट्रिक्स किन वेरिएबल में है? एक्स वाई में गिवन है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या आ रहे हैं, एम एन आ रहे हैं। ये मैंने कैसे लिखा, इनके साथ जो जो रियल नंबर थे मैंने वो साइड पे कर लिए। ये किस में, एक्स वाई में था, एक्स वाई मैंने लिखी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास ये चीज़ हासिल हो जाएगी। चलें, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसको नाम दे देते हैं हम, ए का नाम दे देते हैं, या आपके पास एक्स का नाम दे देते हैं, ये इज इक्वल टू किसी कॉन्स्टेंट का नाम दे देते हैं, बी रख देते हैं। आप नाम इनके चेंज भी कर सकते हैं। आपके पास इक्वेशन बन गई ए एक्स इज इक्वल टू बी। आपने फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, याद रखिएगा। एक्स में कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एक्स एंड वाई। एक्स फाइंड करना है तो एक्स यहीं पर रहने दें, ए इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या है, इनवर्स। तो ए इधर आके बेटा क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया, और साथ में क्या है, बी। ये कुछ आपने फाइंड करना है। इसमें क्या है, ए इनवर्स। अभी मैंने मैथड बताया, अभी मतलब पिछले लेक्चर में मैंने मैथड बताया था। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद क्या है, आपने ए इनवर्स के मेथड का फार्मूला ये है कि ए का एडजॉइंट ले लें, ए का मोड ले लें, दोनों को डिवाइड कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। साथ बी आपके पास ये बनाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में होगा। फर्स्ट वैल्यू एक्स की होगी और सेकंड वैल्यू क्या होगी, वाई की होगी। ये कुछ मेथड है, इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं है। हम बेटा क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 निकाल लें आप लोग बेटा, कोई भी एक ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी ध्यान में रखिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें हम मॉड चेक करेंगे, मॉड जीरो आएगा। जिस भी मैट्रिक्स का मॉड जीरो होगा उसे हम सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर होगा तो उसका आगे सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल नहीं है, उसका सॉल्यूशन आगे हम फाइंड नहीं कर सकते। आप वहीं पे स्टॉप कर दें और ये लिख दें कि दिस सॉल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। चले भी हम इसका कोई क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्रैमर रूल के बारे में बताऊंगा आपको। हम इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या बेटा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। चले बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रियल नंबर आपके सामने है 4, 2, 3, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। तो 4, 2, 3 माइनस 1, और ये किसमें, एक्स वाई में दिया हुआ है, तो एक्स वाई, और कांस्टेंट क्या है, 8 and -1। ये मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये आपके पास ए हो जाएगा, ये आपके पास एक्स हो जाएगा, ये आपके पास बी हो जाएगा। इक्वेशन मांगी, ए इधर आएगा तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी। अब सबसे पहले आपने क्या निकालना, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे फाइंड होगा, आप जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अगर ए का मॉड। आपके पास ए गिवन है, ये ए है, इसका आप अर्जेंट भी ले लें, इसका आप मॉड भी ले लें। हाँ भैया, मैं इसका अर्जेंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा ही होगा, अर्जेंट ऑफ ए। हाँ भैया, अर्जेंट में इनकी हमने जगह रिप्लेस करनी होती है और इनके साइन चेंज करने होते हैं। हाँ भैया, 4 की जगह -1 आ जाएगा और -1 की जगह 4 आ जाएगा, और इनके आपने साइन चेंज करने हैं। प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा।
हैंड फाइंड हो गया, आपको हमें क्या फाइंड करना है, ए का मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मॉड फॉर्म में लिखेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर लेता हूँ, फोर मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, दरमियान में माइनस का साइन, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, फोर वन द फोर, थ्री टू द सिक्स, तो आपके पास आंसर आ गया माइनस टेन। ए मॉड भी निकाल लिया। ये चीज़ हमने क्यों फाइंड की है, क्योंकि हमने इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स में पुट कर दें, फट जॉइंट क्या है आपके पास, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड फोर डिवाइड बाई ए मॉड क्या है माइनस का टेन, ये आपने ए इनवर्स फाइंड कर दिया। अब ये नहीं करना, इसको डिवाइड कर देना, डिवाइड हम अगले स्टेप में करेंगे। अगर आप डिवाइड पहले कर देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है मल्टीप्लीकेशन में। अब अभी डिवाइड ना करें, इसको यहीं पर स्टॉप कर दें, आप उठा के इसको इधर पुट कर दें। ए इनवर्स हमने फाइंड किया हुआ है क्या है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड फोर डिवाइडेड बाई टेन, साथ बी की वैल्यू लिखें, मैंने ये बी की वैल्यू है एट एंड माइनस वन, इसे आप साइड पे भी लिख सकते हैं, यहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको इस पर डिवाइड कर देते हैं, जब आंसर आता है फिर मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, अब फंसाने के लिए डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाए सोल्यूशन में। पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा तब डिवाइड करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। हाँ, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का क्या रोल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम है ही नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ भी करते हैं। x इज इक्वल टू फर्स्ट रो क्या है, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एट, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एट में प्लस का साइन, माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है ही नहीं तो सेकेंड रो पहले, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई एट, फोर मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, और बटे में क्या लिखा हुआ है टेन लिखा हुआ है। एक्स इज इक्वल टू एट वन द एट, माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 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 टू वन द टू, ठीक है, एट थ्री द 24 प्लस माइनस माइनस 4 वन द 4 डिवाइड बाय 10, x इज इक्वल टू हम माइनस 8 प्लस 2, ये माइनस क्या है सॉरी जी, ये माइनस की वैल्यू है, माइनस 8 प्लस 2 माइनस का 6 माइनस 24 माइनस 4 माइनस का 28 और डिवाइड बाय 10। अब आप 10 से डिवाइड कर दें तो माइनस सिक्स बाई माइनस टेन, ट्वेंटी एट बाई माइनस टेन, तो कैंसिल आउट करते हैं, माइनस से माइनस टू थ्री दा टू फाइव दा, तो क्या आ गया थ्री बाई फाइव, माइनस से माइनस टू फाइव दा टू फोर्टीन दा, फोर्टीन बाई फाइव, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब एक्स किसके बराबर था, एक्स इजिकल टू एक्स वाई, तो आप देख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आया थ्री बाई फाइव फोर्टीन बाई फाइव, तो ये एक्स का आंसर और ये वाई का आंसर सॉल्व हो गया है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो इसका रूल है क्रैमर रूल, कल हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर तक जाएंगे। ठीक है भाई, इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है अच्छी तरह। अल्लाह हाफिज़।